नमस्कार दोस्तों, तो आज हम नेक्ड मैन ऑर्किड प्लांट के बारे में बात करने वाले हैं। तो नेक्ड मैन प्लांट ऑर्किड, ये जो प्लांट है मैंने देखा यूट्यूब पे, इसके बारे में ऐसे ऐसे चीज़ें बताई जा रही है जो कि मुझे नहीं लगता कि साइंटिफिकली करेक्ट है। तो अगर आप साइंस को हर जगह ऑब्जर्व करते हो और हर जगह हर बात पे एक कोई ना कोई साइंटिफिक लॉजिक छुपा ही हुआ है, ठीक है। साइंस के बिना ये नेचर नहीं है और नेचर के बिना साइंस नहीं है। तो अगर आप साइंस से प्यार करते हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को भी लाइक करो और शेयर करो। चलो वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो जिस प्लांट के बारे में हम बात करने जा रहे हैं, दैट इज़ नेक्ड मैन ऑर्किड प्लांट। तो ये ऑर्किड प्लांट क्या है? ये जो ऑर्किड प्लांट है ये ऐसे दिखता है जैसे एक जो मैन होता है, नेक मैन की तरह ये प्लांट दिखता है। तो ये जो प्लांट कहाँ पाया जाता है, ये प्लांट जो है मेडिटेरेनियन सी में पाया जाता है। तो मेडिटेरेनियन आइलैंड में, जो कि इटली में पाए जाते हैं, तो वहाँ पर ये जो स्पीशीज है ये पाई जाती है। और ये प्लांट्स को ऑर्किड ये फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो ऑर्किड फैमिली में बहुत सारे प्लांट्स आते हैं, तो ये भी जो प्लांट है ये भी उसी फैमिली से आता है। तो फैमिली कैसे हम देखते हैं, तो बायो में जैसे फैमिली होती है कि जिस जो नेटिव स्पीशीज होता है, जो जो लॉब्ड जो प्लांट्स दिखते हैं वैसा ही ये जो प्लांट है ये दिखते हैं। तो इन ऐसे प्लांट्स की कैटेगरी को, लॉब्ड प्लांट्स की कैटेगरी को ऑर्किड में डाला गया है। तो ये ऐसे प्लांट्स होते हैं और ऐसे ये मतलब इट्स नेचर के कैसे दिखते हैं ये प्लांट्स। तो इनको जो है इटली जैसे देश में इसको जो है ऐसे भी देखा जाता है कि ये एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है। तो मैं आपको अभी बताऊं कि लास्ट में बताऊं, चलो अभी बता देती हूँ। तो ये जो फैक्ट है ये है कि इसे खाने से जो मेंस होते हैं उनकी वायरिलिटी जो है वो इंक्रीज होते हैं, विरिलिटी हम कह सकते हैं, ठीक है, सॉरी फॉर द रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन। तो विरिलिटी जो है वो इंक्रीज होती है। जैसे विरिलिटी क्या होता है, जैसे वुमेन्स में फर्टिलिटी होती है, तो वैसे ही मेंस में जो है आप ऐसे अंदाज़ा लगा सकते हो कि वायरिलिटी क्या होता है, ठीक है। तो उसे खाने से ऐसा कहते हैं कि वो इंक्रीज होती है। सो ये अभी साइंटिफिकली करेक्ट है कि नहीं है ये हम नहीं जानते, लेकिन ऐसा माना जाता है, ठीक है। तो मानने के लिए तो वैसे बहुत कुछ है ना। मैं अभी इस टॉपिक पे नहीं जा रही, तो हम इस प्लांट की बात कर रहे हैं। तो ये प्लांट के कुछ पॉइंट्स हम समराइज कर लेते हैं कि ये प्लांट मेडिटेरेनियन सी में पाया जाता है और इसे खाने से ये मान्यता है कि वेरिलिटी इंक्रीज होती है। और इसके जो नेटिव जो स्पीशीज है वो ग्रीस, इटली, यूरोप ऐसे देशों में जो है इसकी नेटिव जो है वो पाई जाती है। नेटिव का क्या मतलब होता है, नेटिव का मतलब होता है जो जहाँ से जो चीज़ का जन्म हुआ है। तो ये प्लांट्स अजीबोगरीब प्लांट्स हैं, दिखते ऐसे हैं, और इनको कैसा मॉइस्चर कैसा एटमॉस्फेयर पसंद है, ये जो है ये पार्शियल सनशेड जो है वो प्रेफर करते हैं। और इसे आप घर पर भी प्लांट कर सकते हो। तो ऐसी वीडियोस हैं काफ़ी जहाँ पर उसको प्लांटेशन कैसे करना है घर पर ये बताया गया है। तो आई होप कि आपको समझ थोड़ा आ गया होगा जितना मैंने बताया। मैंने इसकी काफ़ी रिसर्च की है लेकिन मुझे जितना कंटेंट मिला बहुत कम कंटेंट है, मतलब कि बहुत काफ़ी कम इंफॉर्मेशन है इस प्लांट के बारे में कि ये प्लांट जो है इसका क्या कह सकते हैं कि ये प्लांट ऐसा क्यों दिखता है। इसके जो शेप्स होते हैं ना, इसके जो फ्लावर्स होते हैं लोब्ड शेप के होते हैं, तो लॉब शेप के होते हैं, इसलिए ये कुछ ऐसा हम इसको देखते तो ऐसा ये लगता है कि जैसे ये कोई मैन है, मतलब पूरा वैसा ही प्लांट लगता है। नेचुरली है, क्यों है, कैसे है, आई थिंक इस पर अभी शायद रिसर्च चल रही होगी, लेकिन जैसे मैंने कंटेंट जो है वो रिसर्च इसके बारे में की तो काफ़ी कम इंफॉर्मेशन है। और हालांकि ऐसी कोई वीडियो नहीं है यूट्यूब पर, बाकी
इसके बारे में बताया गया है कि इसको कैसे प्लांट करें वगैरह वगैरह वगैरह। और इंटरेस्टिंग है ये प्लांट, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और इस चैनल पे ऐसे ही वीडियोस आती रहेंगी, सो नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर देना। थैंक यू।